हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 21 मार्च है और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले जब हमने 20 मार्च के वीडियो में या फिर लेक्चर में जब हमने चर्चा की थी तब मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च जो है मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आऊँगा और बाकी की जो न्यूज़ आइटम्स हैं वो हम नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे, इज़न्ट इट। तो आज का जो हमारा एक स्पेशल टॉपिक है वो कुशलता के साथ या फिर आप कह सकते हैं स्किल्स के साथ जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, या फिर अगर आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूँ तो अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस देखने को मिलेंगे। ये नेचुरल रिसोर्सेस इतने ज़्यादा हैं कि आप वहाँ पर से निकलने वाली जो आइटम्स हैं उसके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यू नो प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आज अफ्रीका दुनिया का सबसे विकसित कॉन्टिनेंट है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या अफ्रीका के देश जो हैं वो दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक हैं? द आंसर इज़ नो। आप देखिए जो टॉप 10 रहने लायक जगह हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड हैं। न्यूजीलैंड अभी न्यूज़ में भी था बिकॉज ऑफ टेरर अटैक। फिर स्वीडन है, दूसरे देश जो हैं टॉप 10 में यूके भी शायद हैं, यूएसए टॉप 10 में नहीं है, लेकिन ये सारे देश हैं, यू नो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं कुछ, जिसमें नॉर्वे हैं, स्वीडन हैं, फिर फिनलैंड का भी नाम आता है, डेनमार्क हैं, न्यूजीलैंड हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, तो ये सारे देशों का नाम आता है। आप इन देशों के रिसोर्सेज के बारे में जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपेयर टू, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज ही नहीं हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन कंपेयर टू अफ्रीका, कंपेयर टू इंडिया, इन देशों में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। आप जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब भी मैं जापान की बात करता हूँ या फिर जापान शब्द जब हम सुनते हैं तो जो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में पॉप अप होती हैं तो उसमें से एक होती हैं उनकी टेक्नोलॉजी, उनका प्रिसीजन, राइट, जिस परफेक्शन से वो चीज़ों को बनाते हैं, इनोवेशन होता है या फिर इन्वेंशन चीज़ों का शायद दुनिया के अलग अलग देशों में हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जब आपको प्रैक्टिकली लैब में से निकाल कर जब आपको मार्केट के लिए अगर कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ लॉन्च करनी है, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो प्रिसीजन के लिए वो जापान भेजी जाती है। जापान को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज और सुनामीज और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जापान के पास भी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास ज़मीन भी बहुत कम है। वैसे तो जापान उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से यू नो ज़मीन उनके पास है, लेकिन ज़्यादातर जापान का जो पोर्शन है वहाँ पर आप रह नहीं सकते, यू नो बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि टोक्यो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। लेकिन फिर भी ये सारे देश जो हैं वो इतने आगे क्यों हैं? इनके पास रिसोर्सेस नहीं है लेकिन फिर भी ये सारे देश आगे हैं। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि इन देशों ने जो की होती है, यू नो जो कोर होता है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमारी सोसाइटी को आगे ले जाना है, देन यू हैव टू इन्वेस्ट नॉट इन टेक्नोलॉजीज, यू हैव टू इन्वेस्ट इन पीपल। आपको लोगों में अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो रिटर्न हमें मिलता है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा मिलता है। आप किसी शेयर में कोई पैसे यू नो इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो एक कुछ टाइम के बाद आपको 20 लाख की प्रॉपर्टी ली तो यू विल गेट 40-50 व्हाटएवर। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति में इन्वेस्ट किया, यू नो आपने अपने बच्चों को एजुकेशन दी या फिर किसी भी लड़के को लड़की को आपने एजुकेशन दी, तो उनका जो पोटेंशियल है, जो रिटर्न है, दे कैन बिकम द नेक्स्ट APJ या फिर वो यू नो दे कैन बिकम ग्रेट सिंगर। तो ह्यूमन बींग्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से जो हमें रिटर्न मिलता है उसकी कोई हम यू नो देर इज़ नो कैलकुलेटर दैट कैन कैलकुलेट के उसका रिटर्न कैसा मिलेगा हमें, क्योंकि वो क्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ है।
तो क्या यही चीज हम हमारे देश में नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, लेकिन इसकी शुरुआत तो कहीं से हमें करनी पड़ेगी, और आज इसी टॉपिक के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। बात करते हैं कुशलता के बारे में। तो हमारे लिए, भारत के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट अगर कोई है तो वो ये है कि आज हमारा देश जो है ये एक यंग नेशन है। यंग नेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 70 ईयर्स हुए हैं हमारी आज़ादी को, उस कंटेक्स्ट में हम यंग देश नहीं बता रहे हैं। यंग नेशन इन द सेंस कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो बहुत यंग है। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप, 54% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। 2020 तक पहुंचते हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 29 ईयर्स हो जाएगी। उसी टाइम पर 2020 में यूएसए की एवरेज एज होगी 40 ईयर्स, यूरोपियन देश जो हैं उनकी एज हो जाएगी 47 ईयर्स, जापान की एवरेज एज हो जाएगी 47 ईयर्स। जापान के बारे में हम कई बार सुनते हैं कि जापान जो है वहाँ पर लोग जो हैं अपने घरों में रोबोट्स रखने लगे हैं वहाँ पर ऑफिसेस में। मुझे याद है जब मैं मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था तो कई स्टडीज़ हम पढ़ रहे थे, मैनेजमेंट मेरा बैकग्राउंड रहा है तो बहुत सारे कई स्टडीज़ हम पढ़ते थे। तो जापान का एक रोबोट था, उस टाइम पर ये जो रोबोट था ये बहुत ही एडवांस्ड था। मैं बात कर रहा हूँ 2011 की, 2010-11 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर यह जो रोबोट था ये बहुत ही एडवांस्ड माना जाता था। वो अपने आप चार्जिंग पॉइंट पर चला जाता था या और अपने आप को चार्ज कर लेता था। उसको पता चल जाता था कि कब चार्ज में जाना है, यू नो कि बैटरी डाउन हो चुकी है, फिर गेस्ट अगर आए हैं तो जापान के कल्चर के हिसाब से कैसे उनको ट्रीट करना है। तो ये सारी चीज़ें थी एंड इट वाज कंसिडर्ड वेरी एडवांस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि सारे आपके जो काम है ऑफिस के वर्क छोटे बड़े, यू नो पानी पहुंचाना, ब्रेक के टाइम पर लोगों को खाना पहुंचाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रोबोट कर लेता था। लेकिन उस टाइम पर ये बात हमें पता नहीं थी कि वहाँ पर रोबोट्स की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वहाँ पर रोबोट्स जो हैं शायद आज उनकी नेसेसिटी बन चुकी हैं। वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन जो हैं उनकी एज जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सपीरियंस की होगी, लेकिन एक देश में मैं गया था और वहाँ पर जब मैं पहली बार लैंड हुआ तो एयरपोर्ट के बाहर जब मैं निकला तो हर जगह पर मुझे अपने पेरेंट्स की जो एज है तो उस एज के लोग ही मुझे ज़्यादातर देखने को मिलते थे हर जगह पर। आप कहीं पर भी जाइए आपको ज़्यादातर उसी एज की जो डेमोग्राफिक एक ब्रैकेट है तो उसी एज के 50+ की एज वाले लोग जो हैं मुझे ज़्यादातर देखने को मिलते थे। और वो देश जो हैं वो उस देश में इतनी ज़्यादा उनकी एज एवरेज होगी 40-45। तो दिस वॉज द थिंग कि ये जो डिफरेंस है या फिर ये जो चीज़ है वो हम महसूस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे देश में आप कहीं पर भी चले जाइए यू विल फाइंड सो मेनी यंग पीपल। आज ऑब्जर्व कीजिएगा, आज ही आप कभी बाहर निकले तो ट्राई टू ऑब्जर्व इट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ पढ़ाई से नहीं लेकिन ऑब्जर्वेशन से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल भी होती हैं और बहुत सही भी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड भी होती है। तो डू ऑब्जर्व दिस थिंग, और अगर आप ये ऑब्जर्व करते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बात सच है कि नहीं कि हम कहीं पर भी हमारे देश में जनरली स्पीकिंग जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, दिस इज़ एन यू कैन से ए रेयर अपॉर्चुनिटी। ये एक बार ये एज ब्रैकेट या फिर ये एवरेज एज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जिस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं हमारे देश में। एक ऐसा वक्त था जब यंग बॉय एंड यंग गर्ल की जो शादी है वो समवेयर अराउंड 25 ईयर्स से पहले हो जाती थी ऑन एन एवरेज। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ तो 25 साल के जब होते थे या फिर उससे पहले मैरिज जो हैं वो उनके हो जाते थे। तो कुछ सालों के बाद उनके बच्चे होते थे, फिर सेम उनकी भी एज एक आ जाती है और उस टाइम पर उनकी शादी हो जाती है। तो
इस प्रकार से हमारी जो एक साइकिल है वो चलती रहती थी। लेकिन आज सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आप देखिए, आज ऑन एन एवरेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट, खास करके सिटीज़ के बारे में बात करें, देन वी फाइंड दैट 30 इज़ ए न्यू कॉमन, कि 30 साल के होने पर ज़्यादातर लड़के लड़की जो हैं जो थोड़े करियर ओरिएंटेड हैं तो उनकी शादी ऑन एन एवरेज इस एज ग्रुप में होती हैं। तो धीरे धीरे फिर ये चीज़ जो है वो बढ़ती जाएगी और यही चीज़ जापान में, यूरोप में, यूएसए में हुई है एंड इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर कंट्री एज वेल। तो आज ये जो ब्रैकेट है हमारे पास वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा एंड दिस इज़ द राइट टाइम दैट वी इन्वेस्ट इन स्किल्स पर्टिकुलरली फॉर आवर यंगस्टर्स। नेक्स्ट 20 सालों, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि आने वाले 20 सालों में, नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये होगा कि इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड जो हैं उसमें जो लेबर फोर्स हैं वो 4% से डिक्लाइन होगी, राइट 4% से डिक्लाइन होगी लेबर फोर्स। लेकिन भारत में आने वाले 20 सालों में चीज़ें जो हैं वो अलग होगी, हमारे यहाँ पर 32% राइज हमें देखने को मिलेगा। दुनिया की अलग अलग कंपनीज आज भारत में ऑपरेट कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये भी आर्टिकल्स हर हफ्ते अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आपको यू नो स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं। तो आप कभी इन आर्टिकल्स को पढ़िएगा, बड़े बड़े जो बिजनेस मैगजीन्स हैं तो उसमें बड़े CEOs हैं या फिर रिक्रूटमेंट मैनेजर्स जो होते हैं HR मैनेजर्स, तो वो अपने ओपिनियंस रखते हैं, कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इस इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो क्या चाहिए, इस इंडस्ट्री में काम करना है तो व्हाट आर द स्किल्स दैट यू रिक्वायर। तो आप एक चीज़ पाएंगे कि भारत के बारे में बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग अखबारों में एक चीज़ हमें जो कॉमन पढ़ने को मिलती है वो ये है कि हमारे यहाँ पर लोगों के पास हार्ड स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स यानी कि उनके पास डिग्रीज हैं, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, मास्टर्स कंप्लीट किया है। लेकिन आप उनको बताएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा है, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि मास्टर्स तक उन्होंने पढ़ाई की है लेकिन जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो कंप्लीट वो नहीं कर पाते, यू नो दे हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन एल्स। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एजुकेशन सिस्टम में कोई खामी हमें देखने को नहीं मिलती? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ यू कैन से लूप होल, कोई चीज़ तो है जिसको हमें फिक्स करना होगा एंड दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्व्स फॉर टू रीप दिस डेमोग्राफिक डिविडेंट। ये जो हमारी ये जो 32% राइज होने वाली है और फिर ये जो हमारी एवरेज एज होगी, तो इसका अगर हमें मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो देयर इज़ ओनली वन वे, हमारे लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे यंगस्टर्स के अंदर वी हैव टू प्रोवाइड देम, वी हैव टू इनकलकेट स्किल्स इन देम। और इसमें एक है ट्रांसवर्सल स्किल्स, ये क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और नॉलेज, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें इनकलकेट करनी पड़ेगी तभी हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा पाएंगे। हमारे यहाँ पर मिलियंस यू नो करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जॉब्स की तलाश कर रहे हैं या फिर उनको यू नो अपग्रेड होना है लेकिन वो नहीं हो पाते या फिर कई बार जॉब्स नहीं मिलती, उसके पीछे रीज़न ये हैं कि दे हैव दिस लैक ऑफ स्किल्स। लक एक अलग चीज़ है लेकिन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, यू नो स्किल के बिना अगर हम कह दें कि लक पर आपको जॉब मिल जाएगी तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि कई लोगों को लक की वजह से, लेकिन यू कैन नॉट सस्टेन देयर। अगर आप लक बाय चांस क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट भी हो गए तो इट्स नॉट कि आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है तो आप 2-3 मैच खेलेंगे, वहाँ पर पहुँच गए, वो आपका लक था, लेकिन टू स्टे देयर इन टीम फॉर 5 years, 6 years फॉर दैट यू नीड स्किल्स, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो सेम थिंग विल हैपन कि अगर कोई लक बाय चांस से उनको जॉब मिल गई तो ऐसा नहीं है कि वो CEO बन जाएंगे, अगर इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट हैविंग स्किल देन दे ही और शी इज़ गोइंग टू ड्रॉप आउट। दूसरा जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर, जो एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आज भी हमारा जो मेन फोकस रहता है वो ये है बुक लर्निंग, यू नो इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि ऑब्जर्वेशन है, किसी को सुनने से यू नो को, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस होते हैं, रीडिंग है, वॉचिंग वीडियोज़ लाइक आप बैंक IQ, स्टडी IQ के वीडियोज़ देखते हैं तो इससे आपको नॉलेज मिलती है,
बुक्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, टीवी में से कुछ आपने देख लिया, फिर सोसाइटी में से कुछ सीखा, तो ये अलग अलग सोर्सेज है। अगर हम सिर्फ एक ही सोर्स को पकड़ कर रखते हैं तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस, और ख़ास करके सिर्फ किताबी, जो हम कहते हैं किताबी बातें। तो आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट एंटी बुक, आई माई सेल्फ आई लव रीडिंग बुक्स, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि सिर्फ किताबें ही पर्याप्त नहीं है, यू हैव टू हैव एक्सपीरियंसेस एज वेल, और एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो व्हाट वी नीड इज़ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे हम हमारे देश में स्किल इनकलकेट कर सकते हैं। तो बेस्ट इज़ कि स्कूल से अगर हम शुरुआत करें, देन दिस इज़ ए पॉइंट कि यहाँ से हम पूरी जो एक पूरा जो लॉट है, पूरी जो एक जनरेशन है, वो धीरे धीरे जो है वो स्किल्ड होती जाएगी। तो उसके लिए हमें हमारे बच्चों को प्रिपेयर करना होगा, और इसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। यूनेस्को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन जो है वो बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है आज के ज़माने तो दैट इज़ ट्रांसवर्सल स्किल्स। ये ट्रांसवर्सल स्किल्स क्या हैं? स्किल्स नॉट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर जॉब, टास्क, एकेडेमिक डिसिप्लिन और एरिया ऑफ नॉलेज, बट एज स्किल्स दैट कैन बी यूज इन ए वराइटी ऑफ सिचुएशंस एंड वर्क सेटिंग्स। ट्रांसवर्सल स्किल्स ऐसी होती हैं कि कोई एक स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की है तो सिर्फ इंजीनियरिंग ही आप जानते हैं, आपने मैनेजमेंट किया तो सिर्फ मैनेजमेंट ही जानते हैं। नो, अगर आप इंजीनियर भी होते हैं तो फिर आपको लोगों के साथ भी काम करना है, अगर आप मैनेजमेंट हैं तो भी आपको टेक्निकल चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो ट्रांसवर्सल स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं कि आपको हर क्षेत्र में, हर सिचुएशन में आपकी अलग अलग तरीके से मदद कर सकें। तो इसमें है क्रिटिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग, कैसे हम हमारे बच्चों के अंदर क्रिटिकल एंड इनोवेटिव ट्रेनिंग या फिर थिंकिंग इनकलकेट कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज अगर आप जॉब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, चाहे आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत काम आएगा कि आपके अंदर अगर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, आप कितने भी मार्क्स ले लें फिर इंटरव्यू में आप रह जाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव ए ग्रुप डिस्कशन है। तो इसमें आपका प्रेजेंटेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी PPT अच्छी हो, आपके जेस्चर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, इसके अलावा किस तरीके से बात करते हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वहाँ पर कोई बॉस होगा, कोई मिडल पोजीशन पे होगा, कोई लोअर पोजीशंस पे होगा। तो अगर आप मान लीजिए कि मिडल पोजीशन में हैं तो आप कैसे इन दोनों लेवल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेगुलर डेज में ईमेल्स जब आप लिखेंगे, वर्क जब आप ज्वाइन करेंगे, देन यू हैव टू राइट ईमेल्स, आप ईमेल्स पढ़कर चीज़ों को समझना, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपकी कैसी हैं हो जाएगा, फिर आपने जो टाइम दिया है उस टाइम पर चीज़ों को कंप्लीट करते हैं नहीं, टीम वर्किंग, ये सारी स्किल्स अगर आपके पास हैं और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर थोड़े बहुत कम भी हैं और ये सारी स्किल्स आपने प्रूव कर दी, देन देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। इफ़ यू हैव बोथ, अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं और अच्छी ये सारी स्किल्स हैं, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। आप आपको कॉम्पिटिशन जो हैं उसमें आप बहुत जल्दी धीरे धीरे करके एक अच्छी पोजिशन तक पहुँच सकते हैं, इफ़ यू हैव दिस इंटरपर्सनल स्किल्स। फिर है इंट्रापर्सनल स्किल्स, सेल्फ डिसिप्लिन है, धैर्य है आपके अंदर, परसिवरेंस, मोटिवेशन, एडेप्टेबिलिटी। अगर आप एक काम कर रहे हैं और आपको बता दिया कि आज से आप ये नहीं लेकिन दूसरा काम संभालेंगे, तब आप कितने एडेप्टेबल हैं, क्या आप नए काम को चैलेंज के तौर पर देखते हैं कि यस आई विल लर्न समथिंग न्यू, या फिर मैं इतने सालों से ये कर रहा था, कर रही थी और मुझे यहाँ से हटा दिया। तो ऑल दिस पार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इनर क्वालिटीज़ डिस्प्ले करती हैं। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप, आपके साथ फॉरेन के लोग भी काम कर सकते हैं। कोई ऐसे केसेस होते हैं कि अगर स्वीडन से या फिर
कनाडा से, यूएसए से, इंग्लैंड से कोई व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए आया है तो फिर लोग उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अफ्रीका से कोई व्यक्ति आया है तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना, तो ऐसी सारी चीज़ें आज के अगर लोगों के अंदर हैं, अगर ऑफिशियल एनवायरनमेंट में ऐसा अगर बिहेवियर किसी का होता है तो इजीली आप कहें ना कहें लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। तो डू यू हैव दैट टॉलरेंस अलग अलग धर्म के लोगों के साथ, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के साथ आप अच्छी तरीके से बिहेव करें, उनसे अच्छी तरीके से टीम वर्क में काम करें? तो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ये एक स्किल है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। क्या आप रिसर्च कर सकते हैं, क्या आप नई चीज़ों को खोज सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं? हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं, इजन इट? वी आर लर्निंग फ्रॉम, मीन्स अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं आपकी बात करूं तो कैन आई सेफली से कि 20 सालों से आप पढ़ रहे हैं, या फिर 18-19 ईयर से? आपके लोअर केजी, हायर केजी से बात करें, नर्सरी से बात करें तो कॉलेज तक अगर देखें तो 15, 17, 18, 19 ईयर्स आप पकड़ लीजिए आपने पढ़ाई की है, आपने चीज़ों को पढ़ा है, हर रोज़ आप कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट हो, किताबें हों, आर्टिकल्स हों, वीडियोज़ एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी हमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें तकलीफ होती है, बिकॉज इस चीज़ को हमने एक जो एक सीरियसली जो लेना चाहिए वो हमने नहीं लिया, या फिर उस एनवायरनमेंट हमें वो एनवायरनमेंट जो है वो नहीं मिला कि इन्फॉर्मेशन को बहुत ही एक पर्याप्त एक लिमिटेड टाइम में सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ के फिर उसको कॉम्प्रिहेंड कर लेना, एनालाइज कर लेना, ये सारी स्किल्स जो हैं वो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोलाब्रेशन अक्रॉस नेटवर्क्स एंड लीडिंग बाय इन्फ्लुएंस, लीडरशिप स्किल्स, इनिशिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो ट्रांसवर्सल स्किल्स हैं ये यूनेस्को बता रहा है, एंड दिस इज़ राइट एज वेल। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि ये सारी स्किल्स जो हैं वो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राइमरी स्कूल से इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो एक मल्टी कल्चर हमें हमारी प्राइमरी स्कूल में देखने को मिलता है, अलग अलग रिलीजन के, गरीब अमीर एक्सेट्रा, हर कोई किसी प्रकार के बच्चे जो हैं वो आपको प्राइमरी स्कूल में, मीन्स वैसे तो दिखते हैं स्कूल में हमें हर प्रकार के, जो अलग अलग प्रकार इन द सेंस के अलग अलग बैकग्राउंड, रिलीजियन, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हमें क्लास में देखने को मिलते हैं, तो एक डाइवर्सिटी होती है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट, उनका खाना पीना, क्यों वो एक प्रकार का खाना पीना खा रहे हैं, क्यों वो वेजिटेरियन है, क्यों वो नॉन वेजिटेरियन है, ये सारी चीज़ें जब बच्चे घर पर जाकर पूछते हैं, तो ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप जो हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको भी हम ऑन बोर्ड ला सकते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर्स जो हैं वो उनको किस प्रकार से सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको कैसे एड्रेस करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू स्टे देयर इन देयर माइंड फॉर एवर। अगर ये बता दिया कि वेजिटेरियन जो होते हैं वो वीक होते हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो क्रूअल होते हैं, तो ये फिर चीज़ जो है वो पूरी ज़िंदगी वो लड़का लड़की जो है वो अपने दिमाग में लेकर चलेंगे, एंड दैट थिंग यू विल फाइंड व्हेन दे आर वर्किंग इन एन ऑफिस और ए वर्क एनवायरनमेंट में, वो वही जो एक स्टीरियोटाइप है वो आपको देखने को फिर मिलेगा। तो टीचर्स क्लासमेट्स के साथ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं। बेसिकली ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम प्राइमरी स्कूल से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन में हम उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के प्रोग्राम्स हैं, फिर कॉम्पिटेंसी कैसे हम उनकी बढ़ा सकते हैं, उनको और ज़्यादा कैसे एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, इन सारे प्रोग्राम्स को हम फिर नेक्स्ट लेवल पर सेकेंडरी एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो हैं उन्होंने नवंबर 2014 में हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई, और एक एक अलग तरीके से स्किल को डेवलप करने की शुरुआत हमारे देश में इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से हुई डेडिकेटेड तरीके से। और फॉर्मल एजुकेशन में आज 25% जितनी स्कूल्स जो हैं नाइन्थ क्लास से ये हमें
स्किलिंग और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम बिट लोअर क्लासेस, यू नो, इन इन प्राइमरी से हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जर्मनी की बात करें तो वहाँ का जो कोर्स है उसको डिज़ाइन करने में जो इंडस्ट्री है उनको बुलाया जाता है, वहाँ की जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के जो एंटरप्रेनर्स हैं एक्सेट्रा, तो उनको बुलाकर उनके इनपुट्स लिए जाते हैं और उस प्रकार से उनका जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हमारे देश में भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी हम एक हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल जो हैं इन दोनों का एक फाइन बैलेंस बना पाएंगे। और सारी चीज़ें तब तक पॉसिबल नहीं हैं जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट इसमें ना हो। आपको पता होगा अभी कुछ ही दिनों पहले हमने हरियाणा मॉडल देखा, हमने एजुकेशन के बारे में बात की कि कैसे हरियाणा ने अचीवमेंट किया है, उनका जो ग्रेड लेवल था वो 40% था, सक्षम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और 80% ऑन एन एवरेज अब हमें ग्रेड लेवल देखने को मिल रहा है। तो उसमें सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं लेकिन उसी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री, पॉलिटिशियंस या फिर पॉलिटिकल जो एक विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल एक इच्छा, ये सारी चीज़ें और इसी के साथ सोसाइटी और पेरेंट्स, ये सब मिलकर जब स्टेक होल्डर बनेंगे तब हम हमारे बच्चों में एक ओवरऑल कल्चरल चेंज हम देखेंगे और तब हम हमारे यंगस्टर्स में एक यू कैन से सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स दोनों इनकलकेट कर पाएंगे। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का टॉपिक है, यू नो, जॉब क्यों क्रिएट नहीं हो रही है ये भी बात हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही है ये भी बात हो रही है, लेकिन जस्ट लाइक स्कूल्स, यू नो, बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ लिख कर होशियार बन ही जाएंगे। व्हाट वी नीड इज़ के क्वालिटी, राइट? तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं ये सारी चीज़ें अलग बात हैं, ये फिर एक अलग टॉपिक है, लेकिन क्या हम जॉब्स के लिए कैपेबल हैं ये प्रश्न हमें पूछना होगा। और इसी प्रश्न की ये एक फर्स्ट स्टेप होगा, जैसे लाओ त्सू ने कहा है कि बड़ी जर्नी की शुरुआत जो है एक छोटे से स्टेप से होती है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप आई बिलीव, आर वी कैपेबल फॉर डूइंग गुड जॉब्स, इफ़ यस देन लेट्स डू इट, इफ़ नो देन व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.